फिरोजाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लुटेरा गिरोह के 8 बदमाशों दबोचा, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। योगी की पुलिस ने फिरोजाबाद के थाना साथी के पुल के पास से लुटेरा गिरोह के बदमाशों से ही मुठभेड़ के दौरान 8 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है, जबकि एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे, देशी तमंचा और 3 बाइक और वारदातों में इस्तेमाल होने वाले औजार भी बरामद किए हैं। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। देखिए, फिरोजाबाद से जो हाईवे गुजरती है उसके ऊपर ट्रक ड्राइवर्स अपने रात में ट्रक खड़ी करके सो जाते हैं। उनके साथ एक दो घटनाएं घटी थी, थाना सिरसागंज और मखनपुर में अभियोग पंजीकृत हुए थे। इसको वर्कआउट करने के लिए सीओसी कोहाबाद और एसओ मखनपुर की टीम लगी हुई थी। इनके पास कुछ इनपुट था कि जो गिरोह, जो गैंग इस क्राइम को कर रहा है उसके द्वारा पुनः इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। कल रात्रि में इनकी टीम ने चेकिंग लगाई। इस टीम को जो इनपुट था उसके अनुसार कोई व्यक्ति पहले रेकी करता है और उसके बाद फिर इनके जो टीम के अन्य मेंबर्स हैं उन लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया जाता है। आज सुबह लगभग 5:30 बजे जो साथी गांव है वहां पर, जो सर्विस रोड है हाईवे का, वहां पर एक व्यक्ति बाइक पे घूम रहा था। उसको रोक करके हमारी टीम ने पूछताछ करने का प्रयास किया। उसने हमारी टीम पर अटैक किया, जवाबी कार्रवाई हुई और उसमें वो घायल हुआ। उसको तत्काल वहाँ से हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा। रास्ते में उससे पूछताछ की गई, उसने अपना नाम अजय उर्फ पकौड़ी बताया और ये एक शातिर चोर लुटेरा है। इसके ऊपर 18 मुकदमे हैं, पूछताछ से ही पता चला। और इसके अन्य मेंबर्स उसके जहाँ पे ये घटना घटी उसके आसपास ही खड़े थे। उसके उस इनपुट पे हमारे टीम्स ने जाकर के इस गैंग के बाकी लोगों को वहाँ से अपने कब्जे में लिया। उनकी पोजीशन से 8 बैटरा, 8 मोबाइल बरामद हुआ, जो एक टेम्पो गाड़ी ये लोग अपने पास रखते थे, जिससे ये लोग इन घटनाओं को अंजाम करने के बाद जो स्टोलन प्रॉपर्टी थी उसको डाल करके उसमें ले जाते थे, वो भी बरामद हुआ है। इन लोग को अरेस्ट किया गया है। कुल 8 लोग हैं और उसके बाद इनके खिलाफ जो भी अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी।